और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। अजमेर से बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख कर लेते हैं। केंद्रीय कारागार के बाद अब हाई सिक्योरिटी जेल की भी खुली पोल, जहां परिंदा भी नहीं मार सकता पर वहां पहुंच रहे मोबाइल। हाई सिक्योरिटी जेल में मिले हैं 2 मोबाइल फोन, जेल प्रशासन के इंतजामों की खुली पोल। सिविल लाइन थाने में दर्ज हुआ मामला, पुलिस कर रही है मामले की जांच पड़ताल। तो बड़ी खबर इस वक्त की, हाई सिक्योरिटी जेल में मिले हैं 2 मोबाइल फोन, और इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं जो है वो सामने आ चुकी हैं। लेकिन सवाल यहां पर कई सारे उठ रहे हैं कि आखिर ये मोबाइल फोन किस तरीके से यहां पर लोगों के पास मिल रहा है जो अंदर जेल में बंद है, क्योंकि कहते हैं कि यहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन जिस तरीके से यहां पे 2 मोबाइल फोन मिले हैं उसको लेकर लगातार कई सवाल जो है वो यहां पर खड़े हो रहे हैं। सिविल लाइन थाने में ये पूरा मामला दर्ज हुआ है और अब पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो मोबाइल फोन यहां पहुंचाते हैं और क्या कनेक्शन है इनका, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की खबरें जो है वो सामने आ चुकी हैं। तो हाई सिक्योरिटी के बीच अगर मोबाइल फोन मिल रहा है तो यहाँ पर वैसे भी कई सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर हमारे सहयोगी शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, कहते हैं कि जेल सिक्योरिटी की अगर बात करें तो हाई सिक्योरिटी जेल में होती है, यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन 2 मोबाइल फोन फिर से यहाँ पर मिले हैं, क्या कुछ वजह? जी बिल्कुल सही कहा आपने, जो राजस्थान के अंदर एकमात्र हाई सिक्योरिटी जेल है जिसके अंदर काफी हार्डकोर और काफी बड़े मुजरिम रखे जाते हैं, जो कि अजमेर में ही है। और अजमेर के अंदर ये पहला मामला नहीं है कि हाई सिक्योरिटी में जेल के अंदर मोबाइल मिले हैं। नए साल पर चेकिंग के दौरान ये 2 मोबाइल पाए गए हैं, जो कि कैदी केवलचंद और दीपम मलिक के पास पाए गए ये 2 मोबाइल हैं। हालांकि जेल प्रशासन ने जो पुलिस है सिविल लाइन थाने हैं उसमें मुकदमा दर्ज करा दी है, पुलिस भी मामले की पड़ताल कर रही है। लेकिन विचार सोचने वाली बात यह है कि जहां पर परिंदा पर नहीं मार सकता वहां पर बिना चेकिंग के मोबाइल अंदर घुसना कैसे संभव है, और कैदियों के पास से मोबाइल मिलना भी एक बड़ी बात है, क्योंकि कैदी जो है वो काफी हार्डकोर है, काफी बड़े पैमाने के मुजरिम है। यहाँ से पूर्व में भी जोधपुर में फोनों के जरिए धमकियां गई थी कैदियों के जरिए, उस पर भी अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है। उसके बाद फिर ये मोबाइल मिलना पुलिस जो जेल प्रशासन है उसकी सिक्योरिटी पर संदेह खड़ा करता है। बिल्कुल शुभम, क्योंकि यहाँ पर कई तरीके के सवाल जो है वो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, जेल प्रशासन पे भी कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर वो कौन लोग हैं जो मोबाइल फोन पहुंचाते हैं। जिस तरीके से ये भी आपने बताया कि जो कैदी हैं बहुत हाई प्रोफाइल के हैं, तो क्या यहाँ पर बातचीत भी मोबाइल से होती है? कौन लोग हैं जो फोन पहुंचाते हैं यहाँ पर, क्या ये कोई जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जो कौन लोग हैं ये हालांकि अभी तक जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस से जब बात की गई थी तो पुलिस का भी कहना है कि अंदर जो राशन जाता है उस राशन के जरिए ये मोबाइल अंदर पहुंचा जाता है, लेकिन राशन को चेक भी तो किया जाता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं लोगों की भी मिली भगत आ सकती है सामने। हालांकि पुलिस जो है वो मामले की पड़ताल कर रही है, और इसके पूर्व में भी कई बार इसके अंदर मोबाइल मिल चुके हैं, और यहाँ से कैदियों को परिजनों को भी धमकियां दी जाती है। जी शुभम, आप नजर बनाए रखिएगा, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर कई तरीके के सवाल जो है वो यहाँ